फर्स्ट ड्राइव किड्स वेयर धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवाड ने पानी की टंकी और संपंप का उद्घाटन किया। करीब 6 जगहों पर नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री जितेंद्र अहवाड के साथ शमीम खान, शानू पठान, अन्य एनसीपी के कार्यकर्ता मौजूद थे और मुंब्रा कौसा में कई जगह पर मंत्री जितेंद्र अहवाड का सम्मान सत्कार भी किया गया। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में पानी की काफ़ी किल्लत है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पानी के लिए लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन, विरोध प्रदर्शन तक लोगों को करना पड़ा, लेकिन माना जा रहा है कि 200 करोड़ के बजट से पानी की टंकी और नई पाइपलाइन बनेगी, जो हद तक मुंब्रा कौसा के लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। सम्राट नगर में पानी की टंकी का उद्घाटन किया गया और मित्तल रोड पर नई पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ। इसी तरह MTNL कंपाउंड अमृत नगर में पानी की नई पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया गया। अमृत नगर दरगाह रोड पर पानी की नई पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा चांद नगर में संपंप और पंप हाउस का उद्घाटन किया गया। MMWALI स्टेडियम के पास और वफा पार्क में भी पानी की टंकी का उद्घाटन किया गया है। ये सभी उद्घाटन मंत्री जितेंद्र अहवाड के हाथों से किया गया है और उद्घाटन के बाद मंत्री जितेंद्र अहवाड ने क्या कुछ कहा है मीडिया कर्मियों से बात करते हुए, सुनिए। सर, आज कुछ संप और पंप हाउस की ओपनिंग की गई है, पानी के लाइनों का 3 से 4 जगह उद्घाटन किया गया है। किस तरीके की ये पूरी मनपा के तहत योजना आई है, क्या जानकारी देंगे इस पर? बहुत कोशिश के बाद एक 200 करोड़ की पानी की योजना आई थी, उसकी पाइपलाइन शील फाटा से जो MIDC की पाइपलाइन है वहाँ से बड़ी करके कलवा तक अपने मुंब्रा तक लाई गई है। MMWALI की टंकी शुरू हो गई है, चांद नगर की टंकी शुरू हो गई है। ऐसे आस्ते 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 आने वाले 2 महीने में 7 संपर पंप शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अलम्यास की टंकी शुरू हो जाएगी। ये सर, आज जो 13 जगह पे ऊपर की टंकियाँ बनने वाली है 25-25 लाख लीटर की, ऐसे 6 टंकियों के लिए जगह मिली है, तो उसका भी भूमि पूजन हुआ। मैं मुंब्रा वासियों को याद दिलाना चाहता हूँ जो कि मैंने पहले ही कहा था कि पहले यहाँ के रास्ते सुधरेंगे, रास्ते सुधर गए, अब पानी के ऊपर ध्यान देंगे। आने वाले 1-2 साल में मुंब्रा में पानी नहीं, ऐसी एक भी जगह नहीं होगी। सर, ये पहले ही रिमॉडलिंग योजना जो है JNNURM के तहत दी गई थी, केंद्र सरकार इसको फंडिंग करने वाली थी, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने अमृत योजना से इसको रद्द कर दिया था, इसका क्या खुलासा करेंगे, क्यों किया था? ये JNURM से योजना ही नहीं थी, पहले मनपा ने उसको डाला था उसमें, ये इंडिविजुअल योजना है। अभी अभी किया ना सर मनपा ने, पहले से इंडिविजुअल जी। सर, हॉकर के साथ साथ अवैध पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, शहरवासी जो है आपको अनुरोध करते हैं उस बारे में, और मनपा के पास ट्रैफिक विभाग को देने के लिए जगह नहीं है, ऐसा ट्रैफिक विभाग का हमेशा आरोप है, तो इसके ऊपर क्या कदम उठाएंगे सर? अभी सर्वे चालू है, 8-10 दिन रुको, सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई जगहों पर आगे पानी की टंकी और पाइपलाइन का काम शुरू किया जाएगा, जिससे मुंब्रा वासियों को पानी की किल्लत ना झेलनी पड़े। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।